प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के साथ ही साथ शिक्षा माफिया पर भी लगातार कार्रवाई की गई है। आज हमारे साथ जो है शिक्षक महेंद्र कुशवाहा हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर जो ये कार्रवाई हुई है किस लिए हुई है और आपको शिक्षा माफिया क्यों कहा जाता है। जी पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम महेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं वाराणसी कटिंग इंटर कॉलेज में गणित का अध्यापक हूँ। महेंद्र जी, पिछले दिनों लगातार आप पर और आपके परिवार पर कार्रवाई की गई है, आखिर इस तरह की कार्रवाई की नौबत क्यों आई? कुछ राजनीतिक विद्वेष बस, ईर्ष्या बस, प्रशासन जो है राजनीतिक विद्वेष बस और राजनीतिज्ञों के प्रभाव में आकर के जान में जो ये कार्रवाई कर रहा है, जिन पर उन्होंने कार्रवाई किया, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जिन बिंदु में कार्रवाई किया कि 1775/2016 आज से 5 साल पहले जिस बिंदु पर हम गैंगस्टर लगाया गया था उसमें मेरे FIR में मेरे पर नकल का कोई आरोप नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा यह कहा जाना कि इन पर जो है ये पर्चा आउट कराते हैं, नकल कराते हैं, माफिया है, सरासर गलत है, बेबुनियाद है और मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे ऊपर एक भी FIR हो तो ये दिखा दें। आज मेरे सामने जो मेरी छवि को धूमिल किया गया, जीवन मरण की समस्या हो गई है और इस तरह का कृत्य कार्य घोर निंदनीय है जो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन में कहना भी चाह रहा हूँ। अगर एक भी FIR इस तरह मेरे पास हो, ये FIR कहाँ भी आपके सामने है देख लीजिए, इसमें एक मेरे भाई पर 2016 में केवल एक परीक्षा हुई थी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो है मात्र FIR है कि अनियमितता बरती गई। अनियमितता बरता कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता, जैसे 7/8 धारा लगी जिसकी जमानत अंडर ट्रायल है और 5 साल बाद, वो मेरा भाई था, मैं बनारस जो है 8 साल से अलग रहता हूँ, मैं बनारस 25 साल से नौकरी करता हूँ, मुझको माफिया बना करके मुझे नकल आउट कराने, पेपर आउट कराने वाला कह करके मुझे बदनाम किया था। ये सोची समझी प्रशासन की राजनीति है कि किसी छोटे आदमी कुछ भाव वर्ग हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको क्रश करो कुछ करो। और ये तो प्रशासन का भी देन है, ऊपर सरकार भी चाह रही है कि बैकवर्ड को छोटे जातियों को इतना क्रश कर दो कभी जीवन में जो है हमारे वो सर न उठा पाए। देखा गया था कि जब TET की परीक्षा हुई थी इसके पहले वाली, तो आपके कॉलेज से आपके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था, STF के लोगों ने गिरफ्तारी की, तो आखिर वो किस तरह, क्योंकि उसी को लेकर जिला प्रशासन जो है आपको शिक्षा माफिया और नकल कराने का आरोप लगा रहे हैं। पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, संविधान जो नियम के तहत कार्रवाई होती है वो प्रशासन ही पढ़ कर आता है, जो भी प्रशासन के लोग चाहे PPS अधिकारी हो चाहे IAS हो जितने भी अधिकारी हो, संविधान की कसम खाते हैं न कि वो सरकारी कसम खाते हैं। वो जो नियमावली है जो संविधान है मैं भी पढ़ता हूँ, उसमें कहीं 419/67 IT Act जो हमारी धारा लगी है TET में जो STF ने लगाया है, तो वो 419/67 IT Act इसमें नकल की कोई धारा नहीं है, केवल मात्र जो है कक्ष निरीक्षक एक था उसने जो है फोटो कर लिया अपने मोबाइल से, तो उस प्रिंसिपल होने के नाते पारद जी को उसमें फंसाया गया। पारद जी प्रिंसिपल थे, जैसे मान लीजिए कि DM कोई हुआ और एरिया में कोई घटना घट जाती है तो DM का ट्रांसफर किया जाता है, SO को लाइन हाजिर किया जाता है, तो वो डायरेक्ट एक्यूज नहीं होता। हमारे पारस जी जो प्रिंसिपल थे इस विद्यालय के, वो डायरेक्ट एक्यूज नहीं हैं, मात्र इसलिए उनको दोषी बनाया गया कि वो उनके यहाँ परीक्षा कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, कोई अनियमितता बरते तो जिम्मेदार होते, जिम्मेदारी का उन पर जो है 419/67 IT Act लगा है, आप पढ़िए उसको। और इसके बाद उसको माफिया कह गए, बदनाम की नीयत से पूरे परिवार को क्रश किया जाता है और मुझे तो अति कर दिया गया, मैं बनारस नौकरी करता हूँ, यहाँ से क्या मतलब मेरा। ऐसे में अगर महेंद्र जी हम बात करें तो जो लगातार जो कार्रवाई, पहली कार्रवाई हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए, फिर कार्रवाई, यानी कि जब भी कार्रवाई हुई उसके बाद आप लोगों ने मीडिया के सामने आकर या जो भी सफाई देने में इतना लेट क्यों किया? हाँ, लेट इसलिए हुआ कि मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जो है, मेरी जो है चीफ ब्यूरो से मोबाइल पर बात हुई थी, मोबाइल पर भी किसी मीडिया वालों ने मुझसे पूछने का यह नहीं समझा, मीडिया सिर्फ CEO के यहाँ गई, CEO साहब ने चूँकि उद्घोष किया था गलत ढंग से और वहाँ से पूछी, मुझे भी क्लिप वो मिली और बनारस में चूँकि मोदी साहब का कार्यक्रम, मैं बनारस अध्यापक हूँ तो मुझे जो है स्टेशन लीव की परमिशन नहीं मिल पाई थी, मुझे स्टेशन लीव की आज परमिशन मिली, मैं आया हूँ और अपनी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यह आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि गलत कार्रवाई का जो है अंजाम ठीक नहीं होता है। ऐसे में क्या लगता है ये जो कार्रवाई की गई है वो मतलब प्रशासन की तरफ से वो क्या राजनीतिक बस को लेकर है या क्या है? राजनीतिक मामला है वो, दबाव अगर अभी हम भाजपा ज्वाइन कर लें मैं फ्रेश हो जाऊंगा। पूरे प्रदेश भर में इतनी छोटी केस पर किसी कार्रवाई हो तो बता दें, मेरे क्लिप को TET पेपर के साथ जो है 28 साल की परीक्षा के साथ जोड़कर चलाया जाना कहीं ना कहीं साजिश तो है।
अच्छा, ऐसे में जब आपके यहाँ कुर्की हुई आपके विद्यालय की, उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें वो तोड़ा जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि महेंद्र शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के विद्यालय वो तोड़ा जा रहा है, ये कहाँ की वीडियो थी और इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मैं नहीं बता वो कहाँ की वीडियो थी, लेकिन वो वीडियो मेरे पास आज भी है और वीडियो जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक वो है और ये वीडियो मेरा कहाँ तोड़ा गया आप भी देखे होंगे कार्रवाई में उसमें कहीं ऐसा। और जिन लोगों ने साजिश किया था, जिन लोगों ने राजनीति की वजह से साजिश करके प्रशासन को मिला करके दबाव देकर जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से करवा रहे थे उन्हीं लोगों की ये चाल होगी, उन्होंने ऐसा किया है। तो ये थे महेंद्र कुशवाहा जिनके खिलाफ जो है जिला प्रशासन के द्वारा लगातार शिक्षा माफिया के तहत कार्रवाई की गई, कुड़की की गई और उस कुड़की के बाद आज ये प्रथम बार जो है मीडिया के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने सीधे जो है जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने जो है ये राजनीतिक बस जो है राजनीतिक लोगों के दबाव में इस तरह की कार्रवाई की है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।